जैसे आप दूध नहीं पीते ना, जी दूध नहीं पीते, हाँ, आप दूध नहीं पीते तो उसका बताओ भी दूध क्यों नहीं नहीं। दूध वो तो मैं बीमारी के कारण से नहीं पीता, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो मुझे जब हार्ट अटैक हुआ था 1982 में, मेरे भाई की डेथ हो गई थी, जवान मेरा भाई था, तो उसकी जब डेथ हो गई तो अस्पताल में दाखिल कर दिया, तो डॉक्टर दुआ थे, सिविल सर्जन थे और बहुत बड़े हार्ट के स्पेशलिस्ट, उन्होंने आकर के कहा, उन्होंने कहा कि इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको मेंटल शॉक लगा है और इसलिए इनको 2-3 दिन नींद की गोली दे करके सुलाओ, वो धीरे धीरे मेंटल शॉक ख़त्म हो जाएगा, जवान भाई की डेथ हुई है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की वो थी मिसेज मालेवार, डॉक्टर मिसेज मालेवार, उन्होंने कहा कि आपको जो सारा मेंटल परेशानी हुई है, आप फुल मिल्क, फुल क्रीम मिल्क मत लो कुछ दिनों, आप क्रीम निकला हुआ जिसको सपरेटा दूध कहते हैं, सपरेटा दूध पियो। तो सपरेटा दूध लेने के लिए हमें यूनिवर्सिटी से और कच्चे घेर में आना पड़ता था, कच्चे घेर में मिलता था सपरेटा दूध। तो थोड़े दिनों तो हमने सपरेटा दूध पिया ले जा करके, फिर इतनी दूर से कौन आया तो हमने वो दूध पीना बंद कर दिया। घर में जो घर थोड़ा दूध आता था उसमें से ही, उसमें पानी ज़्यादा मिलाया और जो मलाई आई है उसको उतार दिया, उसी की चाय बना के पी ली। अब वो बहुत दिनों तक जब ऐसा करते रहे, बिल्कुल ठीक हो, शांत हो गया मन और ये हो गया भाई अब जो होना था, भाई की डेथ हो गई, तो उसके बाद जब हमने दूध पिया तो कोलेस्ट्रॉल बनने लगा दूध की मलाई से, तो हमने दूध बिल्कुल इसलिए छोड़ दिया बीमारी के कारण से। अब जो है वो रिएक्शन हो गया उसका ये कि अब तो दूध पीते हैं तो एकदम गैस बना देता है, सारी गैस पेट फूल जाता है और गैस बन जाती है। तो बीमारी के कारण वैसे कोई नहीं दूध। अब मुझे एक आदमी कह रहे थे कि दूध के अंदर सौंठ डाल करके पियो तो गैस नहीं बनेगी, मैंने कहा अब जो छोड़ दिया ठीक है। वो कहने लगे जब दूध पकाया करो तो सौंठ डाल लिया करो तो बिल्कुल गैस नहीं बनेगी, हमने कहा अब जो छूट गया अपने, अब तो दूध क्यों कहते, खाली दूध रहेंगे तो रिएक्शन करेगा, और सौंठ के लिए बाजार में जाओ, सौंठ खरीद के लाओ जी दूध में।